हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आज आप लोग को कॉलीफ्लावर का करी कैसे बनाना है सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। इसके लिए ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है, इसको कोई भी बना सकता है। इसके लिए कॉलीफ्लावर, टमाटर, ऑनियन की ज़रूरत है। ये तीनों को अच्छी तरह से धो के काट लीजिए छोटा छोटा पीस में। इधर हमारा तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा जीरा डालेंगे, कटा हुआ प्याज अब डाल देंगे, अब इसमें हम सूखा मिर्ची डालेंगे, अब इसमें हरा मिर्ची भी डाल सकते हैं, अब इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक जब भी डालिएगा अपने स्वाद के हिसाब से डालिए। अब इसको हम मिक्सिंग कर लेंगे, मिक्सिंग करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। अब इसको हम बीच बीच में चेक करेंगे, चला मिक्सिंग। अब इसको हम अब इसमें हम कॉलीफ्लावर डाल देंगे। डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मसाला में मिक्स कर लेना। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक लेंगे, बीच बीच में चेक कर लेंगे, मिक्सिंग भी करेंगे। अब इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर डालेंगे, अब इसमें हम थोड़ा जीरा पाउडर भी डालेंगे। अब इसमें चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं, हमने तो नहीं डाला लेकिन आप डाल सकते हैं। फिर इसको मिक्सिंग करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक लेंगे, बीच बीच में चेक कर लेंगे, मिक्सिंग भी करेंगे तो नीचे जल ना जाए। प्याज को हमेशा मीडियम कवर में रखिएगा। अब हमारा सब्जी तैयार हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा धनिया पत्ता डालेंगे। धनिया पत्ता डालने के बाद इसको मिक्स करके 1 मिनट के लिए ढक लेंगे। अब हमारा कॉलीफ्लावर का सब्जी बन के तैयार है खाने के लिए। आपको अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा। नया नया वीडियो मैं डेली अपलोड करूँगा, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। अब खाने के लिए तैयार है। आप इसमें रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।